की मनमानी नहीं चलेगी, प्रकाश जगत की मनमानी नहीं चलेगी। आवाज दो, आवाज दो, बोलो भारत माता की। भास्कर पारा कोल माइंस प्रकाश इंडस्ट्री को आवंटित हुआ है। प्रकाश इंडस्ट्री के द्वारा वहाँ पर लगातार मनमानी तरीके से कार्य किए जा रहे हैं, जिसका समय समय पे जैसे जैसे कार्य हुआ है उसका हम लोगों ने पुरजोर विरोध किया है। अभी जब पेड़ों की गिनती प्रारंभ हुई, पेड़ों का चिन्हांकन इन्होंने किया, उस समय भी हम लोगों ने पुरजोर इसका विरोध किया है। उन्हीं सब बातों को लेकर और जैसे प्रकाश इंडस्ट्रीज के द्वारा जो हमारा पाइपलाइन का जो केंद्र सरकार की प्रमुख योजना है, जो लोगों के घरों तक घर घर तक पानी पहुँचाने की जो योजना है, उस योजना को डाइवर्ट कर केवड़ा मार्ग से भेजा जा रहा है, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि हमारा जो राज्य मार्ग है वो भी विखंडित हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, जिससे हमारे जो कई गांव हैं जो टापू में तब्दील हो जाएंगे। इन सभी बातों को लेकर, इन सभी मांगों को लेकर हम सभी ने यहां पे अपना विरोध दर्ज कराया है और ज्ञापन सौंपा है। ये अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं, हमारी बातों पर विचार नहीं किया जाता है, तो आने वाले समय में हम लोग और उग्र आंदोलन करेंगे, अपनी बात मनवाने का प्रयास करेंगे। फर्जी पट्टा, क्योंकि भास्कर पारा में कई बार कई वर्षों से माइंस का खुल चुका है और खुलने की प्रक्रिया चलती रही है, और इस बातों को लेकर वहाँ पे बहुत सारे बाहरी जो लोग हैं उनके द्वारा फर्जी पट्टा बहुत सारे जमीनों का वहाँ पे बनवाया गया है, जिसका भी विरोध हम सभी लोग करते रहे हैं। ग्राम भास्कर पारा सहित जो 8 ग्राम पंचायत हैं उनके द्वारा जो खुलने वाले खदान हैं इसके संबंध में ज्ञापन जारी किया गया है, और उसमें ये है कि जो संबंधित इंडस्ट्री है उनके द्वारा ग्रामीणों की सहमति के बिना ही वृक्षों की गिनती या कटाई का कार्य प्रारंभ किया गया था, और कुछ पट्टे हैं, फर्जी पट्टे हैं, उनके जांच के संबंध में उनके द्वारा माननीय राज्यपाल मैडम को ज्ञापन जारी किया गया है। तो जो यहाँ से संबंधित कार्य है वो यहाँ हम लोग करा लेंगे, और बाकी जो उच्च स्तरीय कार्य है वो वरिष्ठ कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा।